चुनाव का वक्त और किसी प्रत्याशी को सम्मान दिया गया हो, यह शायद पहली बार देखने को मिला है जब व्यवसायी संघ द्वारा जमीन प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारे साथ खुद मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं। आज पहली बार चुनाव का वक्त हो और सम्मान समारोह हो, ऐसा पहली बार देखने को मिला है ऐसा। देखिए, तो व्यवसायियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सबसे अगर कह दे तो प्रबुद्ध वर्ग होते हैं व्यवसायी, हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है इनका और नित्य प्रतिदिन हर तरह के लोगों से, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से, अच्छे और किसानों से, सभी वर्ग के लोगों से, मजदूरों से, हर तरह के लोगों से वास्ता होता है और बहुत इनका पारखी नज़र होती है इनकी। और आज हम व्यवसायी संघ ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में, मैं गढ़वा जिला व्यवसायी संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लायक समझा मुझे। और ये मैंने कहा ये पारखी होते हैं बहुत, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इन्हें हर तरह की परख होती है। व्यवसाय में सोना व्यवसाय भी होते हैं, हीरा व्यवसाय भी होते हैं, हर तरह के व्यवसायी होते हैं, तो पूरी तरह से हर पहलुओं पर जांच परख कर और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है। और आगे फिर इससे ज्यादा कहना और अपने कार्यकाल में अपने ऐसा माहौल भी दिया है कि व्यवसाय निर्भीक रूप से अपना व्यवसाय कर सके, वो भी अपने पैदा किया। देखिए, एक जिम्मेदारी जो दी थी मुझे 2019 में जनता ने, हर वर्ग के लोगों को सिर्फ सड़क बना देना, बिजली देना, पानी देना ही नहीं हो जाता है एक जनप्रतिनिधि का काम, सबसे जरूरी होता है उन्हें एक माहौल देना, सुरक्षित माहौल देना, एक खुली हवा में सांस ले सकें और स्वच्छंद होकर अपना एक एक काम कर सकें, किसान अपना, व्यवसायी अपना काम कर सकें, ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैंने उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, जहाँ भी किसी तरह की परेशानी हुई हमारे व्यवसायी बंधुओं को या किसान, किसी भी वर्ग, किसान बंधु हो चाहे व्यवसायी हो चाहे और भी मजदूर हो, अन्य वर्ग के लोग हो, मैं हर कदम पर साथ खड़ा रहा और आज हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यवसायियों ने आपको सपोर्ट कर दिया, अगर आप अगली बार चुन के आते हैं तो व्यवसायियों के लिए आपके मन में क्या प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं? देखिए, हमारे मन में अगर देखेंगे तो हमारा विजन के लिए तो आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा मेरे साथ बैठने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत विस्तृत सोच है मेरे अंदर और सारा एक कहें तो मैं एक प्लान बना कर रखा हूँ और उसी का नतीजा है कि आज गढ़वा इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से विकास हो रहा है। और आने वाले दिनों में मैं कहता नहीं हूँ, करता हूँ और करूँगा तो आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी थे जिनके द्वारा आज उस कार्यक्रम में शिरकत किया गया था जहां पर गढ़वा के व्यवसाय संघ द्वारा उनके लिए ही सम्मान समारोह का आयोजन किया था। हमने शुरुआत में कहा कि ऐसा पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है कि जब किसी प्रत्याशी को चुनाव के वक्त में सम्मानित किया गया हो, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हो, ऐसा तब हुआ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि सही मायने में मिथिलेश ठाकुर द्वारा व्यवसायियों के हित में, गढ़वा विधानसभा के हित में और लोगों के हित में निश्चित रूप से एक नया आयाम गढ़ा गया है। धन्यवाद।